समझा दो बुझा दो। भीम तो चला गया, इसकी बातों को सुन करके नाराज होंगे वो भीम का पट्टा जले जाए। अच्छा कोई बात नहीं, समझा दो इसे। देखो हमारी बात मानोगे तुम बलवानो लंबे चौड़े हो, ठीक है, जब छह द्वारों को मैं तोड़ दूंगा सातवें द्वारे को तुम नहीं तोड़ सकते। एक तोड़ते हो फिर कहा फिर बचाने की क्या बात है। चलो तुम तोड़ दो छह द्वारे तो सातवां द्वार मैं अवश्य तोड़ूंगा। लड़ाई करने के लिए अब तो तुम्हें ताकत आ गई। जब जब मैंने तुमसे पूछा कि चक्र भी तोड़ना जानते हो तो तुम कह रहे थे हमने देखा भी नहीं है सुना भी नहीं है ना हम जानते हैं, लेकिन अब तुम जान गए। क्या जान गए? सातवें द्वार को मैं अवश्य तोड़ रहूंगा। छह द्वारे हमें नहीं तोड़ेगा, सातवां द्वार तुम अपनी कदार से तोड़ दोगे। जब तुम जानते नहीं तो तोड़ क्या लोगे? छह द्वारे तो तोड़ देगा, सातवें द्वार पर अटक जाएगा, अभिमन्यु मारा जाएगा। ये बताओ अगर ऐसी ऊंच नीच हो गई तो अर्जुन आएगा तो मैं उसका जवाब क्या दूंगा? ऐसा कुछ मत सोचो भाई। हाँ ये कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है क्योंकि सातवां द्वार बहुत ही कठिन है। 30,000 राजा है उस एक दरवाजे पर, 30,000 राजा है, 30,000 राजाओं की फौज है और 100 भाई दुर्योधन के। अकेला अभिमन्यु जानता नहीं तो तुम होना अकेले इतनी भारी सेना से कैसे लड़ सकते हो? इसलिए तुम जाओ ना पहुंच जाएगा। अरे तुम चारों भाई हमारे केवल पीछे रहना, नहीं कोई नहीं जाएगा बगैर हमारी आज्ञा के। इधर आओ देखो, अगर मैं इसे आज्ञा दूंगा और ये सातवें द्वार पर उलझ गया, कोई ऊंच नीच हो गई तो इसका जवाब तुम दोगे या मैं दूंगा? हम ठीक है, लड़ने तुम जाओगे जवाब हम देंगे तो हम आज्ञा नहीं देंगे। बड़े भाई हो इसीलिए ही तो हम आज्ञा नहीं देंगे। अब हमारा विचार एक है, विचार ये है कि अपनी माँ का ये अकेला है सौदा का, और इससे कह दो ये अपनी माँ से आज्ञा लेकर किया है। माँ की ममता बहुत बहुत प्यारी होती है, एक नहीं दसों, लेकिन माँ के लिए दसों बच्चों को ये ममता यानी प्यार बराबर हो, और उसका तो ये अकेला ही है, उसका तो और भी ज्यादा प्यार होगा और इसकी माँ इसे आज्ञा नहीं नहीं जब नहीं देगी जी वहां घर हिला बुरा तब तक हम तो चार जने बन को। इसलिए इसे कह दो ये अपनी माँ से लेके आ गया तब जाओ, अगर इसकी माँ न दे आ गया तो चुपचाप घरे बहू के खाना पीना खाए। कह दो ऐसा है तुम अपनी माँ से आज्ञा लेके आओ, जल्दी जाओ तुम्हारी माँ आज्ञा दे देगी तो हम भी चारों भाई को आज्ञा दे देंगे। अगर तुम्हारी माँ आज्ञा देगी तो बाद में हम भी तुमसे कह देंगे कि चले जाओ। क्यों? कि अगर कोई ऊंच नीच होगी तो हमारे जो से कह देंगे भैया तुम्हारी घरवाली ने इसको आज्ञा दी, जब इसने कह दिया तो ये अपनी माँ के कहने से भी में गया, हमने तो नहीं कहा तो हमारे ऊपर कोई दोष नहीं रहेगा। जाओ और अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आओ, उसके बाद हमारे पास आना तब हम तुम्हें आज्ञा देंगे। तुम्हारा मैं जवाब
मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट को इंतजार करिए।